नॉनवेज लवर है यहाँ पे आना चाहते हैं तो आपको ये अल्फा रेस्टोरेंट मेक्टर 17 में यूनियन बैंक के बिल्कुल एडजेसेंट है, और इस अल्फा रेस्टोरेंट के ऊपर एक मैटरनिटी हॉस्पिटल और बिल्कुल यूनियन बैंक के आपको एडजेसेंट मिलेगा। वेटिंग देखिए आप, ये हमेशा आपको टमाटो की स्टोरी सुनाता रहता है, वो आप देख लीजिएगा। वेटिंग देखिए चल रही, क्योंकि मेरे भी बाद अब तक काफ़ी ज़्यादा, मैं आज फिर भी 7:45 आ गई थी तो मैंने टाइम पर डिनर कर लिया, लेकिन आफ्टर 8 PM यहाँ पे वेटिंग चलती है। तो अभी भी देखिए बाहर जितने भी यहाँ पे नॉनवेज खाना चाहते हैं वो सारे वेट कर रहे हैं कि कब उनकी टर्न आएगी। तो यहाँ पे काफ़ी पुराना और मानागढ़ टॉप 10 में टॉप नंबर 1 पे आता है जो यहाँ का नॉनवेज का जो फेमस रेस्टोरेंट है वो है, आप अल्फा कह लीजिए, बैनर्जीज के नाम से भी निकल जाता है। तो जिनको भी यहाँ पे आना है, और पूरे व्लॉग को, और मैं कहूँगी कि बिरयानी और नूडल्स भी बहुत अच्छे थे, और हमने तो तंदूरी चिकन खाया था तो अच्छा था, दिल्ली का बिल्कुल दिल्ली जैसा फ्लेवर तो नहीं लेकिन फिर भी अच्छा था। मतलब मैं इसको 4.2 रेटिंग दे दूँगी। आप लोग यहाँ पर विजिट कर सकते हैं और हमारे व्लॉग्स को ऐसे आगे कंटिन्यू। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग आए हैं सेक्टर 17 गांधीनगर के अल्फा में। ये नॉनवेज के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो आज संडे था और ऊपर से बारिश हो रही थी, तो काफ़ी टाइम से भाई दिल्ली के हम चिकन को बहुत मिस करते हैं। भाई दिल्ली हरियाणा वाले ना, ये तंदूरी चिकन तो दिल्ली का मुकाबला नहीं है, बट स्टिल मैं गांधीनगर में फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ वहाँ पे, तो अच्छा है। तो हमने नूडल्स अभी ऑर्डर करे और तंदूरी चिकन ऑर्डर करा है, फिर हम इसको खा के टेस्ट करके देखेंगे या फिर जिस हिसाब से भूख होगी और चीज़ें ऑर्डर कर लेंगे। फिलहाल मैंने यहाँ का तंदूरी चिकन मंगाया। तो यहाँ पे एक और जो कस्टमर थे उनसे हमने पूछा कि भाई वो कितने टाइम से आए, तो एक भैया ने हमें बताया कि 2.5 साल से वो यहाँ पर आते हैं और काफ़ी अच्छा बताया उन्होंने, कहा कि ना नॉनवेज के लिए अल्फा रेस्टोरेंट काफ़ी फेमस है। तो अभी मैं ट्राई करके तभी रिव्यू दे पाऊँगी कि मुझे कैसा लगा यहाँ पे पर्सनली। बाकी सर्विस अच्छी है, एक पीसफुल इन्वायरमेंट है, अच्छे कॉर्नर पे आपको सेक्टर 17 की मार्केट में आपको ये रेस्टोरेंट मिल जाएगा। तो अभी हम इन्जॉय करते हैं, उसके बाद बताते हैं। ओके, लेट्स ट्राई द रोस्टेड चिकन। काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी अर्सा हो गया खाए हुए। यहाँ पे फ्राइड जो होता है ना, फ्राइड चिकन काफ़ी मिलता है, लेकिन रोस्टेड यहाँ पे बड़ी मुश्किल से ये जगह मैंने देखी है, सेक्टर 17 गांधीनगर वहाँ पे जगह है। और अभी टेस्ट करते हैं कैसा लगता है, फिर आपको डेफिनेटली रिव्यू देंगे। दिखने में कलर काफ़ी ब्राइट और वाइब्रेंट लग रहा है, रेड टेस्ट के ऊपर अच्छा है, चटनी कैसी है? काफ़ी अच्छे हैं, और चटनी भी जो है इसकी ग्रीन दही वाली चटनी है, अच्छी है। कुछ साथ में स्लाइसेस के साथ इसमें डिफरेंट ये सलाद है, ये भी अच्छा है, और पीसेस में ग्रीन चिली और साथ में नींबू के वगैरह तो चिकन होता ही नहीं है, तो अच्छा लग रहा है, लुक गुड। तो टेस्ट करते हैं, अभी रिव्यू बाद में देंगे। अब हमने पूरा नॉनवेज वगैरह खा लिया और नूडल्स खा लिए थे, अच्छा था, रीजनेबल प्राइस पे यम्मी फूड था, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। मतलब ना गांधीनगर में मैंने फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर करा नॉनवेज के रेस्टोरेंट, तो अल्फा या बैनर्जी रेस्टोरेंट अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको सेक्टर 17 की मार्केट में मिल जाएगा। मैंने इसको सर्च करा था कि टॉप 10 रेस्टोरेंट नॉनवेज रेस्टोरेंट इन गांधीनगर, ये तो नंबर 1 पे था, तो अच्छा है। तो
आई थिंक 6:45 आए थे, 8 बजे के बाद तो यहाँ बहुत ज़्यादा वेटिंग चलती है, तो अभी काफ़ी ज़्यादा क्राउड हो गया है, पूरा रेस्टोरेंट आप देखिए फुल हो गया है। घर की और आज फुल डे काफ़ी अच्छा रहा। पहले मैं गई थी सेक्टर 28 के चिल्ड्रंस पार्क, और उसके बाद हम लोग डिनर के लिए हम लोग आए थे सेक्टर 17 अल्फा रेस्टोरेंट, तो अब हमने डिनर भी कर लिया है। कल मंडे है तो ये लगता है ना कि वो वीकेंड अच्छा रहा, अब कल वो किलिंग मंडे वाली फीलिंग आएगी कि ऑफिस होते हैं तो बहुत बिजी लाइफ हो जाती है। तो सैटरडे संडे को आपको अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए, जैसे कि मैं करती हूँ। तो हमारा ब्लॉग अच्छा रहा आज का, भी डिनर का भी मैंने बता दिया, रिव्यू मैं दूँगी आई थिंक 5 में से मैं इसको 4.2 स्टार दे दूँगी। नॉनवेज अच्छा था, अच्छे से पका हुआ था, मैरिनेट अच्छे से था। तो अब हम लोग निकलते हैं और आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ हमेशा बने रहिए।